ये 9 साल देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले। 9 साल पहले का भारत याद करिए, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई है। 9 साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे। मगर ये मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ऊप नहीं करती थी। 10 साल शासन रहा, देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी उसने फिर से प्रयास किया, उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया। मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने किया। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाने का काम किया है। इन 9 साल में पूरी दुनिया कोई भी इश्यू हो, भारत क्या बोलता है इसकी राह देखती है। ये गौरव भारत को दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे वहां फंसे थे, हजारों बच्चे फंसे थे, उनके मां बाप की जान तलवे पर लग गई थी, हम सब चिंतित थे। मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया, 3 दिन दोनों देशों ने युद्ध बंद किया और हमारे सारे बच्चे सुरक्षित भारत वापिस आ गए। ये बताता है कि दुनिया में मोदी जी के शासन में भारत की पूछ आगे बढ़ी है। ये 9 साल में मोदी जी ने देश के गरीबों को एक नई आशा देने का काम किया है। हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के 5 लाख तक का आरोग्य का पूरी चिंता, हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज और इसके साथ साथ गैस की सिलेंडर। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, मुझे बताइए भाई, कोविड का दोनों टीका सबका लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करिए। तो लग गया ना, 25 पैसा भी देना पड़ा है? कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, भारत ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीके लगाकर कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड के वक्त भी ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ती। राहुल बाबा ने कहा कि कोविड का टीका तो मोदी टीका है, मत लगाइयो, मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी, सबने टीका लगाया, अंत में वो भी एक दिन रात को अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही थी, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पाई थी, उसने कोविड जैसी महामारी के समय भी राहुल बाबा एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ी। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल है, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल है, और मोदी जी के 9 साल
भारत के उत्कर्ष के 9 साल है। मित्रों, आज कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी के चपेटे में है, उस वक्त भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण मंदी दस्तक नहीं दे पाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, मोबाइल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना, ऑटोमोबाइल का तीसरे नंबर का उत्पादक बना और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अभी अभी मोदी जी G7 की बैठक में गए, कोई प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ मांगता था, कोई राष्ट्राध्यक्ष उनसे अपॉइंटमेंट मांगता था, और अफ्रीका गए तो किसी किसी ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी दिए। मित्रों, ये जो सम्मान, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है। ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है। किसानों के कल्याण की बात हुडा साहब करते हैं, हुडा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुडा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान कितना गेहूं खरीदा हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है, और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुडा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने भावांतर योजना लाई, आप कई साल मुख्यमंत्री बने, भावांतर योजना नहीं लाए, किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुडा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी, दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने 3D को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है, और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है
ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक 5.22 बिलियन डॉलर का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और देश में दो गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में दो गाड़ी बनती है तो इसमें से एक गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। 50% गाड़ियां हरियाणा से बनती है। आज मैं जब यहां आया हूं तब चौधरी देवीलाल जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। देवीलाल जी ने हरियाणा के किसानों के लिए ढेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने का काम किया है। मित्रों, हरियाणा नशे का शिकार बन रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने एक लक्ष्य रखा है कि कुछ ही समय में भारत नशा मुक्त होना चाहिए और ये अभियान हरियाणा में चालू हो गया है। मित्रों, सिरसा में भी ये 9 साल में बहुत कुछ हुआ है। 1513 करोड़ रुपए का किसानों को बीमा का क्लेम दिया है। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है, कई नए पुल बन रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे हैं, सिरसा में बन रहे हैं। मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर झगड़ा भी कर लेती है और गिड़गिड़ा भी लेती है। एक ताली सुनीता बहन के लिए बजा दीजिए सभी लोग। मित्रों, ये हुडा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुडा जी को पूछने आया हूं, हुडा महाराज हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में, ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया था भाई जरा बोलो तो, 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपया, और वो हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, हमने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए, 20,000 करोड़ रुपये से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई, 12,150 करोड़ की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल नौ जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया, 4,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो चुका है, और इसके साथ साथ 11,000 करोड़ की लागत से खरखोदा में 10 लाख वाहन की प्रति साल क्षमता रखने वाली मारुति का विस्तारीकरण कार्यक्रम हुआ। कई सारी संस्थाएं दी, कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट 710 बेड, 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनेपत, NID हरियाणा, ढेर सारी संस्थाएं दी। और मित्रों, 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिल रहा है। जल जीवन मिशन
30 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। आयुष्मान भारत के लाभार्थी 82 लाख है। 7.5 लाख शौचालय बन चुके हैं। 1.30 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के टोटल 75,000 से ज्यादा घर बने हैं और ढेर सारे काम किए हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सिरसा वालों आप मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अब तक किसी ने काम नहीं किया। मोदी जी को आपने 10 की 10 सीटें दे दी, फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 मई 2019 को एक ही झटके से धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते थे मत करिए मत करिए। मैंने पूछा राहुल बाबा को क्यों ना करे, तो कह कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार। माताओं भाइयों बहनों, हरियाणा के आशीर्वाद से आपने 2-2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।